झांझपुर में शाह बोले, क्या लालू को पीएम बनाएंगे? गलती से इनकी सरकार बनवा दी तो एक एक साल के प्रधानमंत्री होंगे, यही इनकी डील है। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने सोमवार को मधुबनी के झांझपुर में सभा को संबोधित किया। उन्होंने जनता से पूछा कि आप लोग बताइए, लालू राहुल ममता प्रधानमंत्री बनने लायक हैं? अगर गलती से भी आप लोगों ने इनकी सरकार बना दी तो ये एक एक साल के पीएम रहेंगे, यही इनके बीच डील हुई है। शाह ने कहा कि लालू जी ने चारा, शिक्षा, रेलवे, भूमि में भी घोटाला किया। लालू का एकमात्र लक्ष्य अपने बेटे को मुख्यमंत्री बनाना है। सोनिया गांधी का एकमात्र लक्ष्य अपने बेटे को पीएम बनाना है। इन लोगों के पास ना तो नेता है और ना ही विजन। जनता की भलाई सिर्फ नरेंद्र मोदी कर सकते हैं। शाह ने कहा कि ईडी गठबंधन के सभी नेताओं को राम मंदिर बुलाया गया था, लेकिन गंदी राजनीति के लिए वो लोग नहीं आए। देश की जनता इसका जवाब देगी। उन्होंने कहा कि कर्पूरी ठाकुर यहीं से विधायक रहे हैं। लालू और उनकी कंपनी ने कर्पूरी ठाकुर को सम्मान नहीं दिया, हमारी सरकार ने उन्हें भारत रत्न दिया। शाह ने झंझारपुर की धरती से मिथिलांचल के लोगों को प्रणाम के साथ साथ संबोधन शुरू किया। उन्होंने सीता माता को भी नमन किया। शाह थोड़ी देर गिरिराज सिंह के पक्ष में बेगूसराय में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे।